दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने माई स्मार्ट गुरु जी यूट्यूब चैनल पर। आपको मालूम होगा दोस्तों, मध्य प्रदेश में कुछ समय पहले सैड मैप के माध्यम से पेसा ब्लॉक कोऑर्डिनेटर या पेसा डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के समकक्ष पदों पर भर्तियां निकाली गई थी और ये मेरिट आधार पर भर्तियां थी। आपको मालूम होगा मेरिट में जिन लोगों के नाम आए थे उनके इंटरव्यू कंडक्ट कराए गए थे, पर इंटरव्यू बीच में ही रोक कर यहाँ पर कुछ तकनीकी कमी बताकर इंटरव्यू जो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर है या हम बात करें डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है उनके इंटरव्यू पूर्ण नहीं किए थे। अब लोगों को इसका मालूम पड़ पाता कि उनके इंटरव्यू क्यों नहीं हुए। अब सीधी खबर निकल के आई है कि उसमें लोगों की ज्वाइनिंग भी हो चुकी है, साथ ही साथ उनकी मध्य प्रदेश के मामा शिवराज सिंह चौहान ने ट्रेनिंग भी कंप्लीट करा दी है। तो ऐसा क्यों हुआ और ऐसा कैसे हुआ कि इनकी ज्वाइनिंग हो गई बिना किसी इंटरव्यू की, यहाँ तक कि बिना किसी मेरिट के, तो मैं आपको बता दूँ ये सारे के सारे लोग सरकार से किसी ना किसी तरीके से जुड़े हुए लोग हैं। सरकार यानी कि बीजेपी यानी कि आरएसएस या फिर हम बात करें एबीवीपी, तो ऐसे कई लोग जैसे कि ये जो महाशय हैं ये आरएसएस या बीजेपी से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। बीजेपी आईटी सेल के मंडला से बैतूल से सदस्य रहे हैं, इनको यहाँ पर बैतूल से ही जिला कोऑर्डिनेटर सिलेक्ट कर दिया गया है। साथ ही यदि हम बात करें ये जो व्यक्ति हैं और इनको यहाँ पर मंडला से नियुक्त किया गया है और ये भी एबीवीपी से जुड़े हुए व्यक्ति रहे हैं। तो इसके अलावा ऐसे कई और लोग हैं जिनकी इन्फॉर्मेशन सामने आई है जो कि आरएसएस बीजेपी या हम बात करें एबीवीपी से जुड़े हुए हैं जो कि सरकार के ही संगठन हैं। इस बारे में जब लोगों को या फिर जो मेरिट में आए थे उनको मालूम पड़ा, विवाद खड़ा हो गया और इसके बारे में ये जो कंप्लीट मैं न्यूज़ दे रहा हूँ, ये जो न्यूज़ है ये एक बड़े न्यूज़ चैनल एमपी तक द्वारा, जो आज तक का ही एक ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म है उसके द्वारा दिया गया है। उसी के रेफरेंस में मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। आप चाहें तो एमपी तक की न्यूज़ पर जाकर भी ये सारी चीज़ें देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार में किस तरीके से भर्तियों में घोटाला अभी तक जारी है और ऐसे लोग जो कि मेरिट पर आते हैं उनके साथ इस तरीके की धोखाधड़ी मध्य प्रदेश सरकार ने की हुई है। तो दोस्तों देखिए, आपके देखते हुए ऐसे घोटाले मध्य प्रदेश सरकार में हो रहे हैं जो कि पढ़ने वाले बच्चों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है।